लास्ट टाइम स्टूडेंट्स वी स्टार्टेड नॉमेनक्लेचर, ओके, एंड टुडे वी आर कंटिन्यूइंग इट. वी विल डू सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. नाउ दिस, ओके, इन दिस देयर इज अ ओएच, दिस इज द फंक्शन ग्रुप, बट इट इज नॉट हैविंग कार्बन. ओके, तो इसके साथ जो अटैच है चेन वो कौन सी है? वो ये वाली चेन हुई ना. एक ही चेन है कार्बन कार्बन की, बट उस चेन के टर्मिनल पे ना होके जो ये वाला फंक्शन ग्रुप है वो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर लगा हुआ है. ओके, तो ऐसे लगा हुआ है. इसका नेम अब कर, इसकी नेमिंग करनी है हमने, कर दो नेमिंग. ये मेन चेन है, मेन चेन में आपके पास ये रहा हाइड्रोक्साइड आयन, मेन चेन के ऊपर ही आ रहा है ना. ओके, उसके बाद अब आपने नंबरिंग करनी है. नंबरिंग में आपने हाइड्रोक्साइड को छोटे से छोटा नंबर देना है. तो क्या बनेगा, इधर से नंबरिंग शुरू कर देंगे, 1, 2, 3, 4. तो जो सेकंड वाला कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप है. ओके, तो इसका नेम क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा, इसमें देखो प्रीफिक्स तो आएगा नहीं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट तो कोई है नहीं, इसमें फंक्शन ग्रुप है. तो स्टार्टिंग सीधा वर्ड रूट से होगी. वर्ड रूट कौन सा है इसमें, ब्यूट. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन. और सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, कौन सा फंक्शन ग्रुप है, OH वाला. OH वाले के लिए एंडिंग किससे होती है, ओल, सर, ब्यूटेन टू ओल. तो इसका नेम क्या बनेगा, ब्यूटेन टू ओल. और इसको गलती से भी ब्यूटेनॉल नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल तब लिखते हैं जब ब्यूटेन वन ओल होता, क्योंकि वन सिंपलेस्ट पोजीशन है इसके लिए, OH ग्रुप के लिए. तो इसलिए ये जो ब्यूटेन टू ओल, यहाँ पे आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा कि सेकंड पोजीशन पे ही OH है. अदरवाइज अगर आप ब्यूटेनॉल लिखोगे, जैसे मान लो अगर आपने इसको गलती से ब्यूटेनॉल लिख दिया, तो होगा क्या, ब्यूटेनॉल का मतलब ये समझ लिया जाएगा कि फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर OH है, बट इसमें और इसमें फर्क है ना. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट इट ब्यूटेन टू ओल. ये ब्यूटेन टू ओल है. ओके, नेक्स्ट ये वाले एग्जांपल. ठीक, ये पूरा मॉलिक्यूल है, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन ये वाली बन रही है, तो दैट्स व्हाई दिस इज द मेन चेन एंड दिस इज द साइड चेन. इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नंबरिंग करनी है आपने 1, 2, 3, 4, 5. इसी साइड से, जिस मर्जी साइड से कर दो, साइड चेन को 3 नंबर ही मिलने वाला है. तो उसका नेम क्या बनेगा, 3-methyl. ओके, और मेन चेन में कितने कार्बन है, 5-pentane. दैट्स इट, इसका नेम बन गया 3-methyl-pentane. ओके, और कोई भी पोस्ट सुफिक्स तो आना ही नहीं. क्यों नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास आप कोई फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं है. नाउ दिस एग्जांपल, इसमें भी एक ही चेन है, बट इसमें ये डबल बॉन्ड आ रहा है. ठीक, तो एक ही चेन है, मेन चेन यही बनी, सब्स्टिट्यूएंट भी कोई नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी कोई नहीं है, बट डबल बॉन्ड है. तो डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर देने के लिए आपको नंबरिंग इस साइड से करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 कार्बन एटम है, एंड फॉर 6 कार्बन एटम यू हैव वर्ड रूट व्हाट, हेक्स. ओके, एंड सेकंड कार्बन के बाद आया डबल बॉन्ड, हेक्स टू ईन, हेक्स टू ईन. ओके, इसको गलती से भी हेक्सीन नहीं लिखना. क्यों नहीं लिखना हेक्सीन, बिकॉज 2 पे ईन है. अगर आप हेक्सीन लिखोगे उसका मतलब है हेक्स 1 ईन है, तो उसका मतलब ये वाला इंटरप्रेट कर लिया जाएगा कि ये मॉलिक्यूल है. ओके, ये वाला क्लियर, हेक्सीन का मतलब ये इंटरप्रेट कर लिया जाएगा. सर हेक्स 2 ईन जो आएगा, क्योंकि सेकंड के बाद डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड शुरू हुआ ना, तो हम बोलेंगे सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया, तो 2 ईन ही दिखाओगे. ईन का मतलब क्या होता है, कि डबल बॉन्ड आ रहा है आपके मॉलिक्यूल में. तो सर वहां पे जो पहली वाली एग्जांपल थी ब्यूटेन टू ओल, उसमें तो कोई ऐसा था ही नहीं, उसमें बस फंक्शनल था. तो हां, तो उसकी पोजीशन 2 थी, तो 2 दिखाई तो है हमने, 2 ओल. पोजीशन तो दिखानी होती है ना आपने, अगर वो सिंपलेस्ट पोजीशन पे ना हो तो उस टाइम आपको पोजीशन दिखानी पड़ेगी. जैसे यहाँ पे फंक्शन ग्रुप जो है वो सेकंड वाले कार्बन पे लगा है, तो इसलिए हमें दिखाना पड़ा ब्यूटेन टू ओल. सिमिलरली यहाँ पे डबल बॉन्ड सेकंड वाले कार्बन के बाद आया, तो इसलिए हमें हेक्स टू ईन बोल लोगे ना इसको. जपन जोत, क्लियर? यस सर. पोजीशन जिनकी, किन किन की पोजीशन दिखा सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अगर मतलब अगर जरूरत पड़े तो दिखानी पड़ती है. ओके, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है उसकी पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी. ओके, अगर फंक्शनल ग्रुप है उसकी भी पोजीशन दिखानी पड़ेगी. आपको इन सभी की पोजीशन दिखानी होती है,
वो बात अलग है कि अगर वो सिंपलेस्ट पोजीशन पे है, जैसे फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो उसको ना लिखो तो भी चलता है, क्योंकि उसका मतलब ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कर लिया जाता है कि ये वन नहीं था इसलिए ये काटा यहाँ पे. ओके, ये होता है. सर अगर जैसे पहले एग्जांपल में ही हम स्टार्टिंग से वन लें, जहाँ पे आपने फोर लिया पहले को, अगर हम वहां पे वन लें तो वहां से तो फिर थ्री बनेगा ना. बट मैंने क्या बोला, नंबरिंग करते टाइम क्या होता है, प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे था, नंबरिंग में छोटे से छोटा नंबर देना होता है, और किसको छोटे से छोटा नंबर देना है उसके लिए प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है, फंक्शन ग्रुप सबसे पहले नंबर पे आती है प्रेफरेंस में, उसके बाद हम बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को प्रेफरेंस देते हैं. नंबरिंग में भी प्रेफरेंस देनी होती है कि किसको छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो इसलिए नंबरिंग में प्रेफरेंस इस साइड को हुई है, तभी यहाँ से वन टू थ्री किया मैंने, इधर से नहीं कर लिया. क्लियर? सर समय नहीं लगी. आपके पास आपने जो भी आपने सब्स्टिट्यूएंट कोशिश करनी होती है छोटे से छोटा नंबर मिले, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है, फंक्शन ग्रुप है, या जिसकी भी पोजीशन दिखानी है, उसको छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है. तो अगर इधर से करेंगे नंबरिंग तो वन टू, तो इसको टू मिल रहा है, अगर इधर से करते वन टू थ्री तो इसको थ्री मिल रहा है. छोटा नंबर किस साइड से मिल रहा है, इस साइड से मिल रहा है ना, तो इसलिए नंबरिंग इस साइड से करनी है. यस सर. बट अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे लगा होता क्लोरीन, तो अब आप बोलोगे कि वन टू थ्री फोर, ठीक, तो आप बोलोगे अब टू और थ्री मिल रही है, टू इसको मिल रही है, थ्री इसको मिल रही है, अगर ऐसे करें वन टू थ्री फोर, तो अब भी टू थ्री मिल रही है, तो अब दोनों में से कौन सी, जिसमें फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हमारा प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप में है, तो इसको आपने सबसे ज्यादा फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी है. फाइन, ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस. अगर यहाँ पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूएंट भी होता, ये वाला मॉलिक्यूल होता, तो उस टाइम आपके पास क्या नेमिंग बननी थी, अब क्योंकि नंबरिंग तो दोनों साइड से टू थ्री बन रही है, अगर इधर से करें तो भी टू थ्री बन रहा है, दोनों दोनों जो जिनकी पोजीशन दिखानी है, इधर से करें तो भी टू थ्री बनेगा, बट आपने छोटा नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, ये है, ऑर्डरिंग में भी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, फंक्शन ग्रुप पहले नंबर पे प्रायोरिटी है, इसको छोटे से छोटा नंबर देने की कोशिश करनी है, उसके बाद फिर बॉन्ड की प्रायोरिटी आती है, उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी जाती है. ओके, आगे देखते हैं. जैसे अब ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक, अब इस मॉलिक्यूल में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है. ओके, तो इट मींस अब आपने अगर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखना है, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको डबल बॉन्ड को छोटा नंबर रखने की कोशिश करनी है ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट प्रायोरिटी में सबसे एंड में आते हैं, सबसे पहले फंक्शन ग्रुप आते हैं प्रायोरिटी में, प्रायोरिटी लिस्ट में, उसके बाद आता है टाइप ऑफ बॉन्ड, जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो, उसके बाद आपके पास आता है क्या बोलते हैं उसको, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है. तो अब डबल बॉन्ड आए और सब्स्टिट्यूएंट दोनों आए इस मॉलिक्यूल में, तो डबल बॉन्ड प्रायोरिटी में आते हैं, तो नंबरिंग किस साइड से करनी है, वन टू थ्री फोर फाइव. ओके क्लियर, ना कि इस साइड से नंबरिंग होनी है. तो आपके पास ये हो गया, अब बस कर दो नेमिंग, क्या बनेगा, फोर पे क्लोरो क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, पांच, पेंट और वन के बाद ईन आया, तो वन के वन लिखो ना लिखो चलेगा, पेंटीन, फोर क्लोरो पेंटीन, गॉट इट, आई समझ में बात? Yes, बोलो जी. चलो अगला वाला एग्जांपल देख लेते हैं. अगले वाला एग्जांपल ये रहा आपके पास, ये वाला, ठीक. तो इसके केस में देखो, ये आयोडीन लगा हुआ है, आयोडीन एक सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो ये ही एक ही चेन है उसमें आयोडीन लगा हुआ है, बट नंबरिंग किस साइड से होगी, इस साइड से कि इस साइड से, इस साइड डबल बॉन्ड है, इस साइड आयोडीन है, नंबरिंग आपको इस साइड से करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड आपने इसको छोटा देना है नंबर, प्रायोरिटी में ये आता है, इससे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट से पहले, तो वन टू थ्री फोर, तो इसको बोलेंगे फोर आयोडो, चार कार्बन एटम है तो ब्यूट, वर्ड रूट ब्यूट बनेगा, और वन के बाद आया डबल बॉन्ड वन ईन, तो अगर यहाँ पे वन ना भी लिखोगे तो भी चल पड़ेगा, तो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वन इज द सिंपलेस्ट पोजिशन, फोर आयोडो ब्यूटीन. ओके, दिस इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास, अब इसमें मेन चेन ये होगी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये साइड चेन होगी दो कार्बन वाली, तो फोर पे कौन सी साइड चेन लगी है, इथाइल वाली, मेन चेन में कितने कार्बन है, छह हेक्स, और आपके पास आयन क्यों लगा, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड आया था हेक्साइन, तो फोर इथाइल हेक्साइन. ओके, एंड गुनिधि सिंह की इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये वाले को, देखो आपके पास ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी आ रहा है, यहाँ पे आयोडीन आ रहा है,
तो हमने क्या करना है, मेन चेन एक ही है, ओके। अब नंबरिंग इस साइड से भी हो सकती है, इस साइड से भी हो सकती है, बट हमने इस साइड वाली नंबरिंग को प्रेफरेंस क्यों दी, क्योंकि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी में, नंबरिंग में प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या था, फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे प्रायोरिटी में आता है, उसके बाद बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दी जाती है। अब आपके पास सिर्फ है क्या, इसमें बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट है, तो बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले नंबर पे मिलनी है एज कंपेरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। तो किया क्या हमने, नंबरिंग इस साइड से करनी है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नंबरिंग में सिर्फ कार्बन एटम को नंबर करते हैं ना, ये तो आयोडीन है, ओके। तो फोर पे क्या लगा हुआ है, आयोडीन, तो फोर आयोडो, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो इसलिए इसको आयोडो, इसके लिए प्रीफिक्स लगता है। फोर कार्बन एटम है ब्यूट, और वन के बाद डबल बॉन्ड ईन, फोर आयोडो ब्यूट वन ईन। और इसको वन ना भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वन इज द सिंपलेस्ट पोजिशन, तो इसको फोर आयोडो ब्यूटीन लिख दोगे तो वो भी सेम ही बात है, ओके, उसको गलत नहीं माना जाएगा, वो ठीक ही है। फाइन, अंडरस्टूड गुनिधि? हेलो गुनिधि, अंडरस्टूड? ओके ठीक है जी, नेक्स्ट। अब ये वाला मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक, एग्जांपल बहुत है, सारी अच्छे अच्छे वाले एग्जांपल हैं। तो इसमें देखो आपके पास, इसमें आपके पास ये रही मेन चेन, ओके, इसमें ये रहा कार्बन एटम, फंक्शनल ग्रुप है ना ये, तो प्रायोरिटी में आपके पास कौन आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। तो आपने एक तो मेन चेन भी वही सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, तो वो हमने कर ली, और नंबरिंग में भी नंबर वन इसको ही देना है, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। और थ्री पे क्या लगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो थ्री पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा है, क्लोरो वाला, 3 क्लोरो। उसके बाद ये मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, 1, 2, 3, 4, 5। फंक्शन ग्रुप अगर कार्बन एटम वाला हो तो उसका कार्बन भी गिनते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 के लिए क्या लगता है, पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आपके पास क्या आएगा, सुफिक्स एन, ओके। और इसके लिए क्या होता है, पोस्ट सुफिक्स, ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, इसके लिए मैंने क्या बोला था, पोस्ट सुफिक्स क्या आएगा, ओइक एसिड, तो इसलिए पेंटेन के बाद ओइक एसिड, ओके। एन का ई क्यों काटा, क्योंकि उसके बाद हमने ओइक एसिड लिखा, दो वोवल इकट्ठे नहीं आने, ई और ओ इकट्ठा नहीं आना, इसलिए एन का ई काट दिया यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे, ओके। तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, अगर यहाँ पे आप ई लगा देते हो तो वो गलत नेम माना जाएगा, ओके। तो इसका नेम क्या बना, 3-chloro-pentane-OH-acid, फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, इसमें आपके पास एक साइड चेन नहीं है, इसमें आपके पास ये मेन चेन है और इसमें आपको तीन साइड चेन है, 1, 2, 3, 3 साइड चेन है, ओके। तो 3 साइड चेन के लिए क्या होगा, 3 साइड चेन के लिए 3 prefix आ जाएंगे, साइड चेन को पहले सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं ना हम, तो उनके लिए 3 prefix आ जाएंगे। तो नंबरिंग आप कैसे करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो मेन चेन में आपके पास 7 कार्बन है, 2 पे कौन सा लगी, कौन सी साइड चेन लगी है, मिथाइल वाली, 3 पे भी कौन सी लगी है, मिथाइल वाली, और 4 पे कौन सी लगी है, इथाइल वाली। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग में आपने इन सबसे पहले प्रीफिक्स लिखने पड़ेंगे आपको इन तीनों के लिए, इथाइल मिथाइल मिथाइल, इन तीनों के लिए, इसके लिए मिथाइल मिथाइल इथाइल, अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखना, थोड़ा अच्छा लगता है, ओके। तो इसलिए हमने इसको क्या लिखा, 4 पे आया इथाइल, 4 पे इथाइल वाली साइड चेन आई है, नंबरिंग इस साइड से करी है। उसके बाद 2 पे आया मिथाइल, 2 पे भी मिथाइल आया, सेकंड वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, 3 पे भी मिथाइल लगा हुआ है, ओके। और साथ में कितने कार्बन एटम है मेन चेन में, 7 हेप्ट, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एन, ओके। इसमें ये जो 3 prefix लगे, ये क्यों लगे, क्योंकि 3 prefix ही लगने थे, क्योंकि 3 साइड चेन हैं, तो तीनों के लिए प्रीफिक्स लगेगा, और प्रीफिक्स लिखने का ऑर्डर क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जैसे ई पहले आता है अल्फाबेट्स में एम से, तो इसलिए 4-ethyl पहले लिखा, मिथाइल बाद में लिखा, ओके। अब एक और चीज, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2-methyl-3-methyl, अब ये दोनों मिथाइल ही थे तो इनको दो बार लिखने की जरूरत क्या थी, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, इसको लिख सकते थे 4-ethyl, सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे 2 ethyl है, सेकेंड कार्बन पे भी इथाइल है, थर्ड पे भी इथाइल है, इसको लिखेंगे डाई मिथाइल, मिथाइल है ना, इसको लिखेंगे 4-ethyl, 2 और 3rd पे 2 methyl ग्रुप है, तो 2-3-dimethyl लिख देंगे, ओके।
मेन चेन ये आ गया आपके पास, सभी साइड चेन्स के लिए जितने भी प्रीफिक्स आने थे वो लगा दिए, उसके बाद वर्ड रूट हेप्ट, और सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये बना इसका नेम 4-ethyl-2,3-dimethyl-heptane. ओके ये है इसका नेम. यहां से कंक्लूजन क्या निकली, अगर आपके पास ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन्स हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, उन सभी के लिए उनका प्रीफिक्स लग जाएगा. और प्रीफिक्स लिखने का ऑर्डर क्या होगा, जो अल्फाबेटिकली, जिसकी अल्फाबेटिकली जैसे ई पहले आता है एम से, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है तो इथाइल वाला पहले लिखना है आपने और मिथाइल वाला बाद में. और यहाँ पे 2-3 क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास दो मिथाइल ग्रुप थे ना, उसको ऐसे लिखने की बजाय कि 2 पे मिथाइल लगा है और 3 पे भी मिथाइल लगा है, ठीक है, लगा तो दोनों साइड मिथाइल ही है ना, दोनों को बार बार ऐसे इतना बड़ा नाम क्यों करना, उसको कट शॉर्ट में कर सकते हैं. कैसे, इस सेकेंड और थर्ड पोजिशन पे दो मिथाइल लगे हैं, डाई मिथाइल तभी लिखा ना, इसके आगे डाई लगा दिया क्योंकि दो मिथाइल लगे थे. गॉट इट, तो 4-ethyl-2,3-dimethyl-heptane. हालांकि यहाँ पे जोड़ के लिखना है साथ में, या आप हाइफन लगा दो साथ में बीच में, बट ऐसे अगर जोड़ के लिखोगे वो ज्यादा अच्छा है. इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, इतना गैप नहीं देना होता नेम में, क्योंकि नेम इकट्ठा ही चलेगा ना सारा. ओके तो इसका नेम बनेगा 2-methyl-4-ethyl-2,3-dimethyl, इसी के साथ ही heptane, इसी में heptane हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट हमारे पास है जैसे ये वाला ग्रुप. अब इसमें कौन सा फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड हो जिसमें राइट में भी कोई ना कोई अल्काइल चेन और लेफ्ट में भी कोई ना कोई अल्काइल चेन, ये कीटोन होता है. कीटोन भी मेन चेन में बीच में आ जाता है, ये देखो ये चेन कॉन्टिन्यूशन में रही ना. ओके और वो बात अलग है, कीटोन हमेशा सेंटर में ही आएगा क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट में दोनों में अल्काइल ग्रुप लगना ही लगना है कोई ना कोई. तो इसमें ये एक ही चेन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिस मर्जी साइड से कर लो इसको सेकेंड ही मिलना है कीटोन को. ओके तो आपने इसका नेम क्या बनेगा, प्रोपेन, 2 के बाद आया ओन, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ, कीटोन, तो इसलिए प्रोपेन 2 ओन लिखेंगे इसको. ओके बट कीटोन के लिए 2 जो है वो सिंपलेस्ट पोजीशन होती है, लोएस्ट पोजीशन जो कीटोन जिसमें आ सकता है वो सेकंड ही है, तो कीटोन के केस में सेकंड आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, इसलिए इसको प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं. ऐसे फंक्शन ग्रुप जो टर्मिनल पे आ सकते हैं उनके लिए सबसे सिंपलेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, 1, या सबसे लोएस्ट पोजीशन बोल लो कि सबसे लोएस्ट पोजीशन क्या होती है, 1. ओके और ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो सेंटर में आते हैं, ओके जो मैं हमेशा सेंटर में आएंगे, उनके लिए सबसे सिंपलेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, 2. तो इसके लिए जब 2 आया तो आपने वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऑटोमेटिकली समझ लिया जाएगा कि कीटोन है वो सेकेंड पोजिशन पे ही आया होगा, क्योंकि सेकेंड ही उसकी सिंपलेस्ट है, इसलिए सेकेंड नहीं लिखी. माइंड इट? ओके क्लियर. इसका नेम क्या बना, प्रोपेनॉन, या इसको आप प्रोपेन 2 ओन भी बोलोगे तो भी चलेगा. और वैसे इसका एक बड़ा कॉमन नेम भी मशहूर बड़ा वाला कौन सा है, वो है एसीटोन, इसको एसीटोन भी बोलते हैं. एसीटोन ज्यादा फेमस है इसके लिए एज कंपैरिजन टू प्रोपेनॉन. अगले एग्जांपल में आपके पास ये वाला इजी है. ओके ये हो जाएगा, ऐसे वाले कर चुके हैं हम. अब ये वाला एग्जाम्पल देखो, इसके केस में देखो आपके पास ये रही मेन चेन, ओके और ये रहा फंक्शनल ग्रुप. तो प्रायोरिटी में आपके पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप आता है, तो 1-2-3-4. ओके 4 कार्बन एटम. एक मिनट रुको, यहाँ पे सी एच आना है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा के होनी है. तो नंबरिंग कर दी आपने यहाँ पे 1-2-3-4. इधर साइड से क्यों करी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देना है, बात खत्म. ओके तो अब ये जो है, ये दोनों क्या हैं, दीज ऑल आर द सब्स्टिट्यूएंट्स. तो ये ब्रोमो वाला सब्स्टिट्यूएंट है या क्लोरो वाला सब्स्टिट्यूएंट है, मैंने क्या बोला था प्रीफिक्स दोनों के लिए आना है, पर दोनों में से किसका प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, जिसका अल्फाबेट पहले शुरू होता है, ब्रोमो वाला. ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो सेकेंड पोजिशन पे लगा हुआ, ब्रोमो 3 क्लोरो क्योंकि थर्ड पोजिशन पे लगा हुआ क्लोरीन, जिसके लिए क्लोरो प्रीफिक्स आता है. उसके बाद मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, ब्यूट 4. सभी कार्बन कार्बन एटम में कितने हैं, सिंगल बॉन्ड एन और एंडिंग अल से. सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेनल. ओके नेक्स्ट, अब इसके केस में ये फंक्शन ग्रुप ये OH लगा हुआ है, तो आपको इसी को मेन चेन लेना पड़ेगा, जहां से जहां फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट चेन के साथ जुड़े.
नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करना भी बताता हूँ, आज ही बताऊंगा। ओके अब इसके केस में देखो, इसके केस में ये आपके पास मेन चेन हो गई, ये साइड चेन होगी। मेन चेन ये वाली क्यों ली, क्योंकि OH को हमने फंक्शन मेन चेन के अंदर ही इंक्लूड करना था, या मेन चेन के ऊपर अटैच हो ऐसे ही मेन चेन माननी होती है, तो इसको मेन चेन मान लिया हमने। ओके तो 1, 2, 3, 4 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। ओके 2 मिथाइल, 4 कार्बन एटम है, ब्यूट एन सभी में सिंगल बॉन्ड है, और 1 पे ओल, तो 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, तो इसलिए इसका नेम क्या बना, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। इसका नेम बना 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। और इसका नेम क्या बना, इसमें एक ही चेन है और फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, इसका नेम है ब्यूटेनॉल। ओके 1 नहीं भी लिखोगे तो भी चलता है, दैट्स इट। ओके अब आता है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि आपको अगर नेम दिया हो उससे स्ट्रक्चर कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो वो कैसे पता लगेगा। ओके तो आपको नेम गिवन हो उससे आपने कंपाउंड का फॉर्मूला बनाना, लेट अस से वही है 2-bromo-3-chloro-butanol, मान लो आपने इसका एग्जांपल लेना है। ओके इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो करके दिखाओ जरा। जब भी आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपने देखना है वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट इसमें क्या है, ब्यूट, कितने कार्बन एटम, मतलब मेन चेन में कितने कार्बन एटम होंगे, सर 4। ओके उसके बाद आपने बाकी चीजें देखनी है, उसके बाद देखना है ये सफिक्स कौन सा है, एन, इट मींस सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, पहले नंबर पे आपने देखना है ये, दूसरे नंबर पे आपने देखना है ये, तो सभी कार्बन कार्बन में जो मेन चेन में है उसमें मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया है। ओके क्लियर। उसके बाद आपने देखना, उसके बाद बाकी सब देखो, उसके बाद आपने मान लिया नंबरिंग यहां से कर ली, 1, 2, 3, 4 आपने नंबर ये वाले दिए हैं। अब आपको दिख रहा है 2 पे ब्रोमो लगाना है तो सेकंड वाले कार्बन के ऊपर ब्रोमो लगा दो, और दिख रहा है 3 पे क्लोरो लगाना है तो थर्ड वाले कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा दो। उसके बाद अल दिख रहा है आपको, जब आपने देखा कि पोस्ट सुफिक्स में अल है तो आपको पता लग गया कि एल्डिहाइड है, तो इट मीन्स ये जो फर्स्ट कार्बन है ये एल्डिहाइड का ही होगा, तो इसको एल्डिहाइड बना दो CHO। ओके बस अब बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, जिसको जो जो चाहिए उतने हाइड्रोजन दे दो, जितने जितने चाहिए, जैसे इस कार्बन ने अभी एक ही बॉन्ड बनाया, 3 और बनाने हैं, तो इसमें 3 हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन में अभी एक हाइड्रोजन और लगना है, इस कार्बन में भी अभी एक हाइड्रोजन और लगना है, और ये कार्बन तो अपनी वैलेंसी पूरी कर चुका होता है, क्योंकि आपको पता ही है एल्डिहाइड का क्या स्ट्रक्चर होता है, एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें तो ये है ना, तो ये बन जाएगा। ओके अब अगर आपने इसको कंडेंस करके लिखना है तो कंडेंस भी कर सकते हैं, कंडेंस मतलब छोटा करना, और इसको ऐसे लिख दो, तो ये है इसका, इस नेम का स्ट्रक्चर ये है, हो गया ड्रॉ, कोई मुश्किल थोड़ी ना। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लो आपने ड्रॉ करना है 2 मिथाइल ब्यूटेन नॉल। सबसे पहला रूल मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपने क्या देखना है, वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, ब्यूट 4 कार्बन है, उसके बाद देखना है पहले नंबर पे देखना है ब्यूट, दूसरे नंबर पे देखना है आपने सुफिक्स, एन का मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे, उसके बाद ओल भी दिख रहा है आपको, और इसकी पोजीशन नहीं मेंशन करी गई, इट मींस 1 ऑल होगा पक्का। ओके तो मान लेते हैं हमने ये माना 1, 2, 3 ऐसे करिए, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी साइड से चला दो नंबरिंग, क्योंकि अब आप अपनी मर्जी से लगा रहे हो ना कि किस साइड पे OH लगना है, तो 1 पे OH लगना है इस मॉलिक्यूल में। ओके क्लियर। उसके बाद सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर मिथाइल लगना है, मतलब सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर एक कार्बन एटम वाली साइड चेन होनी है। ओके और वो कौन सी होती है, CH3। बस बाकी कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट कर दो, बस इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, और 3 तो इसको CH3, इसके साथ 2 CH2, इसके साथ 1 ही लगना है तो CH, इसके साथ अभी 2 और लगने हैं तो यहाँ पे CH2, क्या फॉर्मूला बन गया इसका, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH। ओके
इसको जरूरी नहीं ऐसे ही करना कि इधर से नंबरिंग करनी होती, अगर हमने उल्टा किया होता, लेट अस से कि ऐसे लिखा होता कि हमने 1 2 3 इससे किया होता, 1 2 3 4, 1 पे OH लगाया था हमने, 2 पे लगाना था मिथाइल और बाकियों की कर दो वैलेंसी कंप्लीट, तो ये हो गया। ओके तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, OH CH 2, यहाँ पे H लगाना है, CH उसके ऊपर CH3, CH 2 CH3, ये CH2 आना है। ओके तो ये दोनों सेम ही चीज है, ये और ये सेम ही है, अगर आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट कर दो ना ऐसे, ओके तो वो यही बन जाएगा। एक्चुअल में मॉलिक्यूल रोटेट वगैरह हो सकते हैं, ये स्पेलिंग थोड़ी ना है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल है। ओके तो इट मीन्स अगर आप इसको रोटेट करके देखोगे तो आपको ये ऐसा भी दिख सकता है। तो इसलिए अगर आपको कोई बोल दे कि 2-methyl-butanol का स्ट्रक्चर ये है कि ये है, दोनों ही है, दोनों ठीक है, दोनों सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इसमें जो चीज है वो आपके पास मान लेते हैं ऐसे पड़ी है तो उसमें दूसरे वाले में ऐसे पड़ी है, तो चीज थोड़े बदल जाती है, चीज तो वही रहती है रोटेशन के बाद भी, अगर इसको रोटेट कर दिया जाए ऐसे तो ऐसे बन जाएगा, अगर 180 पे रोटेट कर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके तो मतलब टेंशन नहीं ले लेने की, तुम वो वाला बच्चा ऐसे बनाया कि मैं ऐसे बना के आया, दोनों ठीक हो, दोनों का आंसर ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, मान लेते हैं 2 क्लोरो नहीं, यहाँ पे ऐसे 2 क्लोरो नहीं लिखना मैंने, 4 क्लोरो 2-ethyl पेंट इन ऑन। ओके वेट, इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, पेंट इन ऑन नहीं, इसको ऐसे लिखते हैं पेंट 4 इन ऑन, ठीक है, इसका नेम करना है। सबसे जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड नेम आ जाए कोई घबराने की बात नहीं, सबसे पहले वर्ड रूट पे ध्यान मारना है आपने, वर्ड रूट में कितने कार्बन है, 5। नंबरिंग जिस मर्जी साइड से कर लो, आपकी इच्छा है, इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकंड बोला, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, इसको तो एक मिनट रुको जरा, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके अब बारी आती है, उसके बाद आती है किसकी बारी आती है, पोस्ट सुफिक्स की, सॉरी सुफिक्स की, 4 पे इन, मतलब फोर्थ कार्बन के बाद इन का मतलब डबल बॉन्ड है, कि फोर्थ और फिफ्थ कार्बन में डबल बॉन्ड बन रहा है। ओके बना दिया हमने, अब बाकी चीजें देख लो, बाकी मैं पहले ये वाले देख रहा हूँ, प्रीफिक्स, 4 पे क्लोरो है, इस पे क्लोरीन लगाना है, लगा दिया, 2 पे इथाइल है, ठीक है, वैसे लॉजिकली ये 2 पे इथाइल लगेगा नहीं, ठीक, तू यहां से 2 पे इथाइल काट दो, 2 पे इथाइल नहीं हो सकता, बताता हूँ क्यों, इसका नेम है 4-chloro-pentane-4-ol, ये हाइपोथेटिकल में थोड़ा मैंने मिस्टेक कर ली, 4-chloro-pent-4-enone। ओके क्लियर, तो आपके पास 4 पे क्लोरो है, ये भी लगा दिया, चलो उसके बाद आपको दिख रहा है ओन, ओन का मतलब क्या है, कीटोन, बट इसकी पोजीशन तो दिखाई नहीं कि कीटोन ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, अगर नहीं दिखाई तो मतलब कीटोन के लिए सिंपलेस्ट पोजीशन कौन सी होती है, सेकंड, इट मींस ये जो सेकंड वाला कार्बन है ये कीटोन वाला है, तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा दो, ऐसे कीटोन में यही स्ट्रक्चर होता है ना, इसलिए मैंने बोला था कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है तो इसके ऊपर और कुछ नहीं लग सकता, इसके ऊपर इथाइल नहीं लग सकता क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो इसलिए वो वाला मैंने क्लोरो बीच में से इथाइल काटा है। ओके और बाकी कार्बन की वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा, वो भी आप करोगे, अब कर दो बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इसकी तो कंप्लीट ही है, इसमें अभी 2 हाइड्रोजन और लगेंगे, इसकी भी कंप्लीट ही है, 4 बॉन्ड बन चुके हैं, काउंट कर लो चाहे 1 2 3 4 इसके बन चुके हैं, और इस कार्बन के 2 बने हुए हैं, अभी 2 बनने हैं, तो क्या बन गया, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH2, दिस इज योर आंसर, बन गया आपके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बनाने कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी इजी वाला काम है। ओके ठीक, बस रूल क्या है, नहीं रूल नहीं कह सकते इसको, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ मेकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सीक्वेंस फॉर मेकिंग स्ट्रक्चर, क्या सीक्वेंस है, पहले मेन चेन, पहले वर्ड रूट,
बनाओगे आप जो वर्ड रूट से आती है, वर्ड रूट से जिसका हिंट मिलता है। उसके बाद से सुफिक्स, टाइप ऑफ बॉन्ड जो सुफिक्स में सिर्फ आपको पता लगते हैं, उसके बाद आपकी इच्छा है। उसके बाद जैसे मान लो सब्स्टिट्यूएंट, ओके, उसके बाद आपने फंक्शन ग्रुप लगाना है। इसके लिए आता है प्रीफिक्स और इसके लिए आता है पोस्ट सुफिक्स, ओके दैट्स इट, हो गया क्लियर। तो इतना सा काम था, ओके चलो ये आपका नॉमेनक्लेचर डन हो गया। आगे मैंने थोड़ा और सोचा था बट मेरे को लगता नहीं अभी वो और होगा, हो पाएगा, ओके तो इसलिए आज के लिए इतना ही लेक्चर बहुत है एंड दैट्स इट फॉर टुडे।